पहले तो मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि हैप्पी दशहरा, हैप्पी नवरात्रि, शुभ बीजोया। तो मुझे भी बोल दीजिए हैप्पी दशहरा। आपको भी शुभ बीजोया। तो बड़े लोगों को बीजोया प्रणाम, छोटे लोगों को शुभ बीजोया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे आप अभी देख पा रहे होंगे कि मैं बारिश हो रहा है तो अम्ब्रेला पकड़ के जा रहा हूँ। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे थोड़ा लाइट का कम भी आ रहा है, फोकस नहीं आ रहा क्योंकि बारिश की वजह से, छत्ता देख रहा है लाइट नहीं आ रहा है। तो अभी मैं अपार्टमेंट से निकल रहा हूँ, इट्स लाइक अराउंड 6:30 PM। तो सो अभी बारिश हो रहा है तो मुझे यहाँ से मुझे आई थिंक 45 मिनट्स आसपास मुझे लगेगा। सो आइए हमारा आज का ब्लॉग का शुरुआत करते हैं। आप दशहरा पे तो बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, स्पेसिफिकली इंडिया में बहुत, और स्पेसिफिकली कलकत्ता में बहुत ज़्यादा उसको मतलब माना जाता है कि दशहरा, हम जैसे कि गणपति मतलब गणेश पूजा होता है हमारा, मुंबई में फेमस है दशहरा, कलकत्ता में स्पेसिफिकली फेमस है। जैसे अभी मैं फाइनली आके पहुंच चुका हूं दुर्गा पूजा पे, ठीक है। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं आपको सब लोगों से मिलाऊंगा और आपको मैं वहाँ पे बातचीत भी करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे कब से दुर्गा पूजा हो रहा है और यहाँ पे क्या आज इवेंट होने वाला है। मतलब आज लास्ट डे है, तो आज दशमी है, तो पहले 2 दिन तो मेरा काम था, मैंने नहीं आ पाया था। आई होप आज सारा जितना भी इवेंट है सारे उसको मैं कंप्लीट करूंगा, सारे भीड़ों में मिलूंगा। तो आइए हमारा लोगों से मिलते हैं और जो ऑर्गेनाइजर है उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। तो आइए यार हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि एक पूजा के बारे में। तो आप बताइए कि आप कहाँ से हैं? मैं कलकत्ता से। कलकत्ता से, हाँ। ओके, तो ये यहाँ से आप कितने साल से हैं? मैं 13 साल। ओके, इसका मतलब आप पूजा को मतलब ये पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजर ही आप बोल सकते हैं, राइट? हाँ। ओके, तो ये जो पूजा होता है वो इंडियन और बांग्लादेश मिलके मतलब मिलके कर रहे हैं हम लोग, दोनों मिलके कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ फीलिंग्स नहीं होता है मतलब पूजा के टाइम पर इंडियन बांग्लादेश? नहीं नहीं, ऐसा कोई फीलिंग नहीं, चाहे तुम बांग्लादेशी हो, मैं इंडियन है, ऐसा नहीं है। हम लोग सब मिल के करते हैं। पहले हम लोग मीटिंग करते हैं, पहले ये प्रोग्राम करने के पहले हम लोग मीटिंग करते हैं बैठ के सब मिलके। जैसे आज मतलब आज इसको करने में कितना तकलीफ, जैसे कि मेरे से 1975 से समथिंग ये शुरुआत हुआ है। ये वाला पुराना पूजा था, वो वाला, वो तो दूसरा कोई करता था, इंडियन करते थे पहले ना, फिर उसके बाद अभी तो 4 पूजा बलिन में हो रहे हैं। अच्छा, पहले एक ही होता था। okay. अभी 4 हो रहे हैं। जितना आदमी हो गया क्या, सब अलग सब में जा सकते आदमी, ऐसा हो गया। अच्छा, तो अभी 4 हो गए। लेकिन बंगाल कम्युनिटी का एक ही है? नहीं, वो भी बंगाली है, उधर भी बंगाली है, मतलब डिवाइडेड हो गए, 3 है बंगाली। अच्छा, बांग्लादेश इंडियन 3 ग्रुप है ऐसा, ठीक है, जो पूजा कर रहे हैं। और है क्या, सिर्फ हिंदी भाषी लोग, वहाँ भी बंगाली है, ऐसा नहीं कि बंगाली, उधर भी बंगाली है, क्योंकि उसका नाम इग्नोर दिया बंगाली, वो भी बंगाली, आप 4 बोल सकते बंगाली है। अच्छा, चारों ही बंगाली कर। हाँ। कितने साल से यहाँ? 2 साल से। तो ये वाला आपका पहला पूजा है या जो रिमेनिंग पूजा जो बलिन पे हो रहा है उसको भी आप अटेंड कर चुके हैं? दोनों, सब सब अटेंड करते हैं। तो सबसे कौन सा पूजा आपका अच्छा लगा? ये तो मैं बोल नहीं सकती, सारी पूजा बराबर ही होते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते, कंपेयर नहीं करते हम पूजा। कंप्लेन मतलब एक खुद के अंदर में होता है, जैसे हम मतलब इंडिया में क्या होता है बोलते हैं ना, वो वाला जो मतलब डेकोरेशन था उनका अच्छा था, ऐसा इंडिया में होता है जैसे कि पेंडल टू पेंडल समथिंग लाइक, मतलब उनका कम्युनिटी का बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ था, ऐसा इंडिया में होता है ना। तो यहाँ पे ऐसे कि अभी बॉलिंग पे मतलब 4 कैटेगरी मतलब 4 तरह की पूजा है, राइट, मतलब 4 प्लेसेस में हो रहा है, जैसे मैंने उनको पूछा था। आपका कौन से, आपको पर्सनली कौन से अच्छा लगा? ना ये थोड़ा हम लोग इधर मेंबर है, सॉरी, हम लोग इधर मेंबर है तो यही अच्छा लगता है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे मेंबर हैं? मतलब आप पूरा नहीं, मतलब ये आप नया यहाँ पे नहीं? नहीं नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, ओके ओके। आप भी रांची से? नहीं, मैं कोलकाता से हूँ, 4 साल हो गया। कोलकाता से मुझे स्पेसिफिकली मैं देखता हूँ कोलकाता स्टूडेंट्स का ज़्यादा मैसेज आता है कि दुर्गा पूजा कहाँ पे, मतलब कोलकाता का दुर्गा पूजा को एक मतलब फैमिली फेस्टिवल की तरह माना जाता है, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंडिया से कोलकाता थोड़ा ज़्यादा। आप किसके लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? आपका ब्लॉग है क्या? हाँ, क्या है आपका ब्लॉग का नाम? जेंटिनो ब्लॉग्स। अच्छा, आपको पूछते हैं आप कहाँ से हैं? मैं असम से हूँ। अच्छा, असम कोलकाता तो लास्ट पास है। हाँ। आप भी? बंगाल कोलकाता। अच्छा, आप भी मतलब इस कमेटी का मेंबर हैं? नहीं, नहीं।
मैं पहली बार आया हूँ। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं या अजय? हम लोग मैरिड हैं तो मैं स्टूडेंट हूँ, ये वर्किंग है। अच्छा, तो यहाँ पे आपका बर्लिन में आपका कितने साल हो गया? बर्लिन में भी रिसेंटली आए हम लोग, उससे पहले वी यूज्ड टू स्टे इन केमनिट्स सैक्सन। ओके, सो वी रिसेंटली शिफ्टेड एंड सो दैट्स अपॉर्चुनिटी टू विजिट दुर्गा पूजा, सो इट्स अमेजिंग। सो फॉर मी इट्स फर्स्ट। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद? आई मीन बहुत अच्छा, लाइक यू नो ये ऑलमोस्ट घर जैसा फील हो रहा है। सो या अमेजिंग, थैंक यू फॉर द ग्रेट वर्क जो भी लाइक यू नो इतना कॉन्ट्रीब्यूट किया आई एम श्योर। सो मे बी इन द फ्यूचर यू नो वी ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कॉन्ट्रीब्यूट यू नो टू द गुड कॉज। So yeah, keep it up, it's really amazing. Very good event. Okay, thank you for your feedback and enjoy your time. Yeah, thank you. You too. Then we will have Shidhu Kala, and after that we will start with the DJ night organized by our very own Kinshuk, who's very very nervous and eating his nails. जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे कि हमारा यहाँ पे एक ओडिया ग्रुप है, ठीक है, ओडिया बॉलिन समाज, राइट, समथिंग ग्रुप है। तो उसी ग्रुप में मैंने मैसेज किया था कि कोई यहाँ पे आ रहा है तो हम मिल सकते हैं, जैसे कि यहाँ में उनका नाम है राधा है। तो एक्चुअली वो मतलब ओडिशा से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन उनका भुवनेश्वर में वो पढ़ाई के डाइटिंग आई थिंक मे बी 5 ईयर्स, तो इसलिए वो उसी ग्रुप में है। तो वहाँ पर डायरेक्ट कहते हैं वो यहाँ पे चला, जैसे कि वो बंगाल से है और यहाँ से कंटिन्यूसली 3 डेज हो गए वो यहाँ से आ रहे हैं। तो देखिए मैम, मैं आपको मैं पूछना चाहता हूँ, आप सिर्फ इसी पूजा में आए हैं या बॉलिन के डिफरेंट जो इंडियन कम्युनिटी की तरफ से हो रहा है वहाँ पे भी गए हैं? बंगाल यहाँ पे पहले तो मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि हैप्पी दशहरा, हैप्पी नवरात्रि, शुभ विजया। तो मुझे भी बोल दीजिए हैप्पी दशहरा। आपको भी शुभ विजया। तो बड़े लोगों को विजया प्रणाम, छोटे लोगों को शुभ विजया। और बर्लिन में मैं यहाँ पे एक गई थी, आपका हिंदू गणेश टेम्पल है वहाँ पे गई थी, वहाँ पे षष्ठी में गई थी। बट मुझे जो ये वाला है, ये वाला ज़्यादा वाइब अच्छा लगा, तो आई प्रीटी मच एंजॉयड हियर। सो मैं रेगुलर कंटिन्यूअसली यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ, मैं 4 दिन से कंटिन्यूस, 4 दिन ही, आज ये मेरा 5वां दिन है, तो मैं कंटिन्यूस आ रही हूँ। और यहाँ पे ना वो आप इंडिया की जो पूजा की वाइब्स होती है मिस करते हो ना, यहाँ पे एक्चुअली वो फील पूरा होता है। लाइक आपको वो जो लाइक थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, जो आप ढाक की आवाज़ सुनते हो और जो धुआं मतलब धुना का जो स्मेल होता है ना, तो वो पूरा पूजा वाइब देता, तो वो कवर करता, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। आप यहाँ पे इंडिया को मतलब मिस नहीं कर रहे? जब मैं पहले मेरे को दुर्गा पूजा बहुत मिस करी थी, एज ए बंगाली आई मिस दुर्गा पूजा। बट जब मैं हिंदू टेम्पल गई तो उसमें भी मेरे को मतलब वो लगा कि थोड़ा मिसिंग है, लाइक वो वाइब्स मिस लगा। बट यहाँ पे बहुत दोस्त बने और वाइब्स था, तो मिसिंग माई फैमिली बट नॉट द दुर्गा पूजा वाइब्स। इसको इसका मैं सर्वजनीन दुर्गा पूजा कम्युनिटी, राइट, सर्वजनीन दुर्गा पूजा कम्युनिटी, इसको भी मैं मतलब फेसबुक पे फॉलो करता हूँ। ओके, सो नाइस टू मीट यू मैम एंड एंजॉय योर टाइम एंड हैप्पी दशहरा टू यू। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। स्टार्ट हो गया है, लेट्स एंजॉय। शायद 1 साल बाद में ये वाला स्मेल ले रहा हूँ, अगरबत्ती वाला स्मेल। फर्स्ट टाइम ये वाला मैं देख रहा हूँ, जब इंडिया में भी था ऐसा, तो ये वाला जो सेलिब्रेशन था दुर्गा पूजा का, ये दूसरा के दिन किया था, फर्स्ट टाइम माहौल बहुत अच्छा है। उसके बाद में पूछेंगे और इसके बाद नाइट का प्लान शायद देखिए।
একটু নিচে যাবেন। मेरा दो भाई, मतलब एक भाई और एक बहन मिले हैं, मतलब उड़ीसा से। तो जैसे कि मैंने ग्रुप में मैसेज किया था, तो अभी मुझे यहाँ से मिलने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मतलब उड़ीसा पीपल को मिलना यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है ना। हाँ बिल्कुल, बहुत कम लोग हैं उड़ीसा से यहाँ पर। जैसे कि आया था पहली बार इटली जब आया था, तब मैंने तो कोई ग्रुप हमारा नहीं था। पहली बार मैं ग्रुप बॉलिंग उड़िया समा तो पहली बार ज्वाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ज़रूर है। लेकिन पहले लग रहा था कि कोई भी नहीं। लेकिन ये पहली बार हमने यहाँ पे उत्कल दिवस भी सेलिब्रेट किया था इस बार, तो इट वाज अ ह्यूज इवेंट। 100-150 लोग आए थे। मेरे को लगभग 7 साल हो गए। 7 साल बहुत बड़े भाई हमारे। 16 में आते हैं मास्टर्स करे भाई। यहाँ पे पूजा कैसा लग रहा है आपको? उड़ीसा मिस कर रहे हैं? बिल्कुल, घर तो मिस होता ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आके इतने लोगों के साथ सेलिब्रेट करना उसमें एक बड़ी बात है। इतना स्पिरिट इतना इकट्ठा होके करना बहुत बड़ी बात है। अच्छा तो लग रहा है यहाँ पे सेलिब्रेशन, पर हाँ घर हमेशा मिस ही होता है। अच्छा, और आप? हाँ सेम, मुझे भी मतलब घर तो मिस होता ही है, वहाँ पर इतना मतलब इतना अच्छा पूजा होता है, लेकिन यहाँ भी अच्छा है, लोगों को मिलना हो गया। और दुर्गा पूजा मतलब बॉलिंग में आपका पहली बार ये पूजा पहली बार आपका है? नहीं, पहले अब लास्ट ईयर भी आए थे, उससे पहले शायद कोविड के लिए 2-3 साल मतलब 2-3 बार नहीं हुआ होगा। लास्ट टाइम भी हम यहीं पर आए थे पूजा देखने के लिए। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एक ओडिया वाला भाई भी आ रहा है। ओके, तो नाइस टू मीट यू, एंड आपका टाइम आप एंजॉय कीजिए और हम प्राइवेट में बात करेंगे। थैंक यू गाइस। तो जैसे कि आप कहीं पे भी, आप उड़ीसा से कहीं पे कोरिया भाई बहन को मिल रहे हैं, तो बातचीत कर लीजिए, ईगो मत बीच में रखिए, ठीक है? थैंक यू, जय जगन्नाथ। Hey!
सो अभी डीजे नाइट खत्म हो चुका है, अभी हम जा रहे हैं प्रसाद लेने के लिए। देखिए प्रसाद में क्या क्या है, प्रसाद खाएंगे। तो जैसे दूसरे वाला में ब्रेमेन भी एक जगह पे गया तो वहाँ पे प्रसाद पेड़ था, लेकिन यहाँ पे प्रसाद फ्री है। जैसे अंकल यहाँ पे प्रसाद मतलब 3 दिन जो फ्री में मिल रहा था? हाँ, यहाँ प्रसाद ये माता की तरफ से प्रसाद है ये, और वो तो माता का प्रसाद है उसकी कभी जैसे दूसरे पंडाल पे भी मैंने गया था वहाँ पे पेड़ था। नहीं नहीं, यहाँ ये सेवा है, ये तो सेवा है और ये 5 दिन से चल रहा है। अच्छा अच्छा, तो 5वें दिन सुबह शाम ये तो माता का प्रसाद है दादा। हाँ ठीक है, आइए प्रसाद सेवन करते हैं, उसके बाद फिर अंकल आंटी से बात करते हैं। ये चावल है, ये दाल है, ये सब्जी है। मैंने मिष्टी का सूट करना भूल गया, मिष्टी नहीं है। इसे अभी प्रसाद सेवन हो चुका है तो फिर मैं जा रहा हूँ घर। अभी आज के लिए ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करेंगे, ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो गया और प्रसाद बहुत अच्छा था। तो हैप्पी दशहरा ऑल ऑफ यू अगेन। ओके, बाय बाय, जय हिंद एंड सी यू ऑन नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू, गुड नाइट।